हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल इमरान टेलीकॉम किराड़ी में। तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो फीचर स्मार्टफोन के ऊपर है, जो कि यह फ़ोन उनके लिए है दोस्तों जो कीपैड फ़ोन में टच का आनंद लेना चाहते हैं। तो इस फ़ोन का नाम है आईटेल 6350 और इस मॉडल का नाम दिया गया इसको आपको आईटेल मैजिक 3। जैसा नाम दिया गया वैसा ही फ़ोन है। तो चलिए आज हम इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आते हैं फ़ोन की तरफ और अनबॉक्सिंग करते हैं। जब तक के लिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस फ़ोन को देखते हैं और इसके कुछ फीचर बताऊँ आपको अनबॉक्सिंग के साथ साथ। फर्स्ट इसकी सील खोल लेते हैं हम। ये हम लेके आए गन जिससे हमने इसको पहले ओपन किया है, तो ये साइड में रख देते हैं। और ये पहले फ़ोन ही निकलता है इसके ऊपर, सबसे पहले इसके कुछ ऊपर मैजिक 3 की ब्रांडिंग हो रखी है। इसको उतार लेते हैं पहले हम। ये फ़ोन है, इसको बाद में हम देखेंगे, पहले हम इसके बॉक्स में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर एक आपको चार्जर देखने को मिलेगा, ओपन करके दिखाता हूँ आपको। पैकिंग हो रखी है इसकी एक पॉलीथीन में, ये देख सकते हैं। एंड्रॉयड चार्जर है जो कि एंड्रॉयड में मिलता है, और बहुत अच्छी बात है कीपैड में आपको एक ईयरफोन भी मिल रहा है इसके अंदर, जो कि आपको एंड्रॉयड फ़ोनों में भी देखने को बहुत कम मिलता है, वो कीपैड फ़ोनों में भी आपको देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं 3.5 mm जैक के साथ है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। और ये कुछ मैनुअल गाइड्स है और वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड है, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। तो ये तो हमें पता ही कैसा। ओ वाओ, इसके अंदर कुछ पिन से देखने को मिल, पिन सिम इंजेक्टर टूल जिससे हम सिम निकाल सकते हैं, और आगे सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिला है आपको इसके अंदर। तो चलिए इस फ़ोन को ऑन करते हैं और इसके फ़ोन के बारे में बताते हैं हम आपको क्या कुछ खासियत है। तो देख सकते हैं फ़ोन, ये आपका फीचर फ़ोन है। इसकी लुक की बात करें तो बहुत बढ़िया लुक दे रखी है। बैक में आपको प्लास्टिक बॉडी दी गई है और ब्लू कलर के शेड में, डुअल शेड में। और बैक में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है साथ में फ्लैश लाइट के साथ साथ। और इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो 9.5 mm की थिकनेस दी गई है। और इसको ऑन करते हैं हम। वाओ, बहुत ही अच्छी बात है, इसमें पहली बार आपको फर्स्ट टाइम जो कीपैड फ़ोन में देखने को मिल रहा है वो क्या है, वॉल्यूम रॉकर कीज़ और ऑन ऑफ पावर बटन आपको साइड में देखने को मिल रहा है। कितनी अच्छी बात है, पहली बार मैंने कीपैड फ़ोन में देखा है जो कि आपको साइड में वॉल्यूम रॉकर कीज़ और पावर बटन देखने का, और साथ ही साथ सिम इंजेक्टर टूल ऊपर से इसका, मतलब एंड्रॉयड की तरह आप सिम भी निकाल सकते हैं इसके अंदर, पूरा का पूरा एंड्रॉयड का आनंद ले सकते हैं इस फ़ोन के अंदर। आप देख सकते हैं दे रखा है, ये देखिए थोड़ा और करीब से देख सकते हैं, सिम जैक्टर टूल का वो दे रखा है आपको, और नीचे में आपको पोर्ट दे रखा है चार्जिंग का, और साथ ही साथ 3.5 mm का जैक दे रखा है, 3.5 mm का जैक दे रखा है, और साथ साथ में माइक है इसके अंदर। तो चलिए इसको ऑन करते हैं हम। बैटरी लग रहा है इनबुल्ट है इसके अंदर, ये भी बहुत अच्छी बात है, इन्होंने इसके अंदर इनबुल्ट बैटरी दे रखी है। कीपैड फ़ोन में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपको इनबुल्ट बैटरी देखने को मिलेगी, यानी पूरा का पूरा एंड्रॉयड ही है एक तरफ से, सॉरी अभी तक का फर्स्ट फीचर फ़ोन है जो कि आपको कीपैड के अंदर टच देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देख सकते हैं आप, इसको कीपैड भी दिख रहा है आपके, इसके अंदर टच ही टच चलेगा, ये टच के हिसाब से। हाँ, ये पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं इंग्लिश। आगे बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, डिस्प्ले में आपको 2.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और बैक में आपको 1.3 एम्पीयर का 3 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ फ्लैश लाइट है। और इसके अंदर बैटरी की बात करते हैं तो 1500 mAh की इनबिल्ट बैटरी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, इनबिल्ट मिल रहा है पहली बार किसी टच फीचर फ़ोन में आपको इनबिल्ट बैटरी मिल रही है। और इसकी बॉडी भी बहुत अच्छी लगी मेरे को, इसका लुक भी देख सकते हैं आप, फ्रंट से डिस्प्ले भी आपको थोड़ी सी कर्व देखने को मिलेगी, जो कि इसको बहुत ही अच्छा व्यू दे रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तरह से ये आपको एंड्रॉयड फ़ोन को टक्कर दे रहा है मेरे हिसाब से, तो एंड्रॉयड फ़ोन को देख सकते हैं आप लुक कितना बढ़िया है। तो आइए इसको यूज़ करके देखते हैं हम सर रिस्पॉन्स है टच वगैरह का। तो ये मेन्यू है, ये देख सकते हैं आप, टच में चला रहे हैं हम। FM दे रखा है विथ वायरलेस हैंड फ्री के साथ, मतलब बिना लीड लगाए भी आप इसके अंदर FM चला सकते हैं। और किंग वॉइस भी दे रखा है, जैसे कि आप बोल देखो टच करते तो हम ये आपको बताएगा आप क्या चला रहे हो।
है कि नहीं। और साथ ही साथ इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग भी दी गई है, यूज़ कर सकते देख सकते हो आप। ये पूरा का पूरा टच फ़ोन है, देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार है। फेसबुक सपोर्ट है इसके अंदर, और आपको इसके अंदर 2000 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं, जिसके साथ साथ आपको फ़ोटो भी लगा सकते हैं। बहुत ही यूनिक फीचर दिए गए हैं इसके अंदर, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, जो कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, आप खुद ही देख सकते हैं। स्लिम भी है, कर्व डिस्प्ले भी है, और टच भी है, और पूरा का पूरा एंड्रॉयड फीचर दिया गया है। तो भाई मुझे तो ये फ़ोन बहुत ही पसंद आया। जैसा कि इसका नाम था आईटेल मैजिक 3, वैसा ही इसका फीचर और इसके काम भी है। आईटेल मैजिक 3 पूरा का पूरा एंड्रॉयड बना डाला यार इन्होंने तो। तुम इसको देख के मेरे को एक लाइन याद आ रही है कि मेरे मन को भाया, मैंने आईटेल का कीपैड टच फ़ोन लेके चलाया। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। तो आप लोग बताओ कमेंट सेशन में जाके कि कैसा लगा आपको ये फ़ोन, और कैसा फीचर है इसका, कि नाम से मिलता जुलता है कि नहीं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। तो हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी सारी वीडियो को लाइक करें, ताकि हम और ज़्यादा वीडियो बना सकें, अच्छी से अच्छी वीडियो आपको तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।